आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रेस्टोलॉजी बुक बाय केडी चटर्जी। 13th एडिशन है इस बुक का, इसका हम रिव्यू करने वाले हैं आज। बहुत अच्छी बुक है प्रेस्टोलॉजी की। इसका प्राइस कुछ 5-600 रुपीज़ है। और कितनी बड़ी बुक है ये, अभी आप देख लीजिए। ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है, छोटी सी बुक है। बहुत कलर डायग्राम्स दिए हुए हैं इसमें। पहले तो हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। तो ये तो रहा इस बुक का कंटेंट। इसके दो सेक्शंस किए हुए हैं, एक में प्रोटोजोलॉजी और एक में हेलमिंथोलॉजी दिया हुआ है। इस बुक का एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो कंटेंट है वो कहाँ पे कौन सा प्रोटोजोआ, कहाँ पे कौन सा हेलमिंथ दिया हुआ है वो मेंशन नहीं किया गया है। तो कोई टॉपिक ढूंढने में हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इस बुक में। तो ये एक ड्रॉबैक है इस बुक का। बाकी जो किताब है बहुत अच्छी है। तो अब अंदर से क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पैरास्टोलॉजी का। इस बुक की ये खासियत है कि इसमें जो डायग्राम्स है बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और कलर्ड हैं, डिटेल्ड हैं, जिससे हमें पैरास्टोलॉजी या कोई भी टॉपिक जो इसमें है समझने में आसानी होती है। ये बुक ज़्यादातर MBBS स्टूडेंट्स रिकमेंड करते हैं। इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा लेंथी और डिटेल्ड होता है। और आप चाहें तो इसे BSc और MSc में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है और साथ में कलर डायग्राम्स दी हुई। सेक्शन फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है प्रोटोजोलॉजी। इसमें पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दी हुई है प्रोटोजोआ की। उसके बाद पहला फाइलम स्टार्ट होता है सार्कोमेस्टिकोफोरा प्रोटोजोआ का। तो उसमें आता है यहाँ पर हमें एंटामोबा, एंटामोबा की कितनी सारी डिटेल्स दी हुई है ये आप देख सकते हैं। पैथोजेनेसिटी, इंटेस्टाइनल लेशंस डायग्राम्स आप देख सकते हैं। डायग्राम्स बहुत अच्छे से दी हुई है जिससे टॉपिक समझने में आसानी होती है, इसलिए ये बुक ज़्यादा अच्छी है। अलग अलग स्पीशीज दी हुई हैं हर एक प्रोटोजोआ की। फिर जीनस गाइडिया, इसमें गाइडिया लैम्बेलिया आता है वो दिया हुआ है डिटेल। फिर ट्राइकोमोनास, फिर ट्रिप्नोसोमा, फिर ट्रिप्नोसोमा दिया हुआ है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसाई दिया हुआ है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई, जीनस लिशमेनिया दिया हुआ है, इसमें लिशमेनिया डोनोवान है। लिशमेनिया ट्रॉपिका और लिशमेनिया ब्रेजिलियंसिस। फिर फाइलम एपिकॉम्प्लेक्स आता है, इसमें मलेरियल पैरासाइट दिया हुआ है बहुत डिटेल्स विथ डिटेल डायग्राम्स ये आप देख पा रहे होंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और कोई स्पीशीज दी हुई है मलेरिया की इस वाले सेक्शन में। इस बुक से हर एक डिजीज समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि साथ में डायग्राम्स दिए हुए हैं और डिटेल्ड कंटेंट दिया हुआ है। तो इसी तरह से बाकी सारा कंटेंट भी जो है इसमें अच्छे से डिटेल्ड दिया हुआ है, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। और फिर फाइलम निमेटा हेलमिंथस, ये आप देख सकते हैं।
लास्ट का अपेंडिक्स दिया हुआ है। तो ये थी पेरास्टोलॉजी की बुक बाय केडी चटर्जी, 13th एडिशन था इसका। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बुक है और इसकी पेपर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो